तो तुम लोगों ने हमारी BGMI कम्युनिटी के अंबानी और अडानी को ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज मैं तुम लोगों की मुलाकात करवाने वाला हूँ BGMI कम्युनिटी के विजय माल्या और हर्षद मेहता से। मतलब ये लोग इतने सारे पैसे छाप लेते हैं ना ये सारी हरकतें कर करके, कि हर महीने का एक आईफोन तो ये निकाल ही लें, और वो भी एक सिंपल से लूप होल का इस्तेमाल करके। हम बात करने वाले हैं गुस्सैल रीच बिलाओ उर्फ एंग्री पांडा ईस्पोर्ट्स के बारे में, जो दावा करते हैं इंडिया में ईस्पोर्ट्स को एम्पावर करने का और बड़े बड़े टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें बढ़िया से बढ़िया टीम्स को इनवाइट देते हैं और उनको खिलाते भी हैं। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अंडरडॉग्स को पूरा पूरा मौका देते हैं, क्योंकि अगर खेलेगा अंडरडॉग तभी तो पेलेगा अंडरडॉग। तो अब देखो, ये एंग्री पांडा वाले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर अनाउंसमेंट डालते हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स की, बार बार ये कराते रहते हैं बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट, चाहे 2 लाख वाला हो, 1 लाख वाला हो, 10 हजार हो, 20 हजार हो, ये करवाते रहते हैं और अंडरडॉग्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि ये सारे के सारे टूर्नामेंट शुरू होते हैं क्वार्टर फाइनल, अरे नहीं सेमीफाइनल, अरे नहीं क्वालिफायर, वो तो भूल ही जाओ, सीधा शुरू होते हैं फाइनल से और खत्म हो जाते हैं ग्रैंड फाइनल्स पे। और फाइनल्स में भी इनवाइटेड टीम्स होती हैं, और अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं तो उनको ग्रैंड फाइनल्स में भी स्लॉट दे दिया जाता है, क्योंकि वॉचिंग तो उन्हीं से आनी है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है इनकी, ये तरस खा के सेमीफाइनल करा देते हैं अपने छोटे टूर्नामेंट्स में, और किसी भी टूर्नामेंट में अगर आपको स्लॉट चाहिए है तो इनका धंधा है पूरा वाइल्ड कार्ड का स्टोर है, जहां आप सीधा पैसे देके ग्रैंड फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में कहीं पे भी स्लॉट ले सकते हो। अब बताओ इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है, जहां पे तुम्हें 220 रुपए देके 5000 के ग्रैंड फाइनल्स में स्लॉट मिल जाए, 300 रुपए देके 10000 का, और 280 रुपए दोगे तो 25000 रुपए का ग्रैंड फाइनल्स का स्लॉट मिल जाएगा। अब ऐसे ही रिसेंटली इन्होंने एक शाइनिंग स्टार करके टूर्नामेंट निकाला था, जहां पे ये चमकते हुए सितारों को मौका देने वाले थे, और यहां पे इन्होंने फाइनल्स का स्लॉट बेचना शुरू करा 1500 रुपए में। और ये वही टूर्नामेंट है जिसमें अभी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स टॉप पे चल रही है D3 पे, और अभी D3 में ही गोब्लिन ने भी 30 किल करे थे, GE के नकुल और रॉनी भी इनके टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में आए थे। अब यहां से मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बैक एंड से किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। आपको सामने सामने से बड़े बढ़िया टीमें दिखाई जाती हैं, स्पॉन्सर्स को दिखाया जाता है कि हम अच्छे अच्छे टूर्नामेंट करा रहे हैं, गिव अवेज रख दिए जाते हैं, उनसे पैसा निकलवा लिया जाता है, लेकिन बैक एंड में लूट आ जाता है अंडरडॉग्स को। अब इनके चमकते हुए सितारों के टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट डली 1 अक्टूबर को, लेकिन उसके अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कहां पे रजिस्टर करना है, लोग पूछ पूछ के पागल हो गए, लेकिन कुछ भी किसी को बताया नहीं जाता है। उसके बाद सीधा 2 महीने के बाद 3 दिसंबर को सीधा ग्रुप फाइनल्स का, अब ये नहीं पता ग्रुप फाइनल्स का मतलब क्या है, ग्रुप फाइनल्स का यहां पे पॉइंट्स टेबल डाल दिया जाता है, जहां पे 22 टीम में से 6 टीम क्वालिफाई कर रही हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए। अब इन टीम्स को कहां से स्लॉट मिला, कहां से मौका मिला, कहां से रजिस्टर करा, कोई भी ट्रांसपेरेंसी इस चीज की नहीं रखी जाती है। उसके बाद में फिर से एक और इन्होंने फाइनल्स निकाल दिया, जहां पे टीम्स को स्लॉट बेचे जाते हैं 1500 में, 2000 में, और उन टीम्स के साथ साथ ही दूसरी इनवाइटेड टीम्स भी होती हैं, और 40 टीम्स का ग्रुप बनता है, और उन 40 में से केवल टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करने वाली होती हैं। तो लूप होल इसमें यह है कि तुम स्पॉन्सर्स को दिखाओ कि हम इतने का टूर्नामेंट लेके आ रहे हैं, और स्पॉन्सर से अलग एक तरफ से पैसा लो, और दूसरी तरफ टीम्स को स्लॉट बेच बेच कर अपने एक्स्ट्रा कमाई कर लो, और जिन लोगों को तुम स्लॉट बेचो भी ना उनको कभी भी अपनी मर्जी से डिस्क्वालीफाई कर दो, दूसरी टीम्स को ऊपर लाने के लिए उनको बिना बताए उनके पॉइंट्स बढ़ा दो। इसका इन्होंने कैसे करा आपको बताता हूं। अब तुम इनके फाइनल्स के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालोगे तो नंबर 6 पे तुम्हें टीम फेलाइन दिखेगी, जिनके 106 पॉइंट्स हैं, और इनके एक दिन पहले Day 2 की अगर आप ओवरऑल स्टैंडिंग्स देखोगे तो टीम फेलाइन 8th पोजीशन पे है और इनके 56 पॉइंट्स हैं। मतलब भाई 3 मैच में 50 पॉइंट मारे होंगे एक दिन के अंदर अंदर, काफी अच्छा खेले होंगे फेलाइन। जबकि अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो देखो आप, ये पहला मैच है Day 3 का और इसमें इनकी टीम 11th पोजीशन पे एलिमिनेट हो जाती है। देखो ये ब्लिंक के मरते ही टीम 11 से 10 रह जाती है, मतलब ये 11th पोजीशन पे यहां पे एलिमिनेट हुए। फिर नेक्स्ट मैच में इनका चिकन डिनर आया, वो भी केवल 4 किल, और चारों के चारों किल सोल के अक्षत के थे। और इसके अगले मैच में भी ये लोग 19th पोजीशन पे एलिमिनेट होते हैं। आप यहाँ पे किल फीड में देखोगे जैसे ही इनकी टीम की शीक डेड होती है वैसे ही टोटल टीम्स का काउंटर 19 से 18 हो जाता है। और ये तो मैं केवल एक दिन की परफॉर्मेंस का बता रहा हूँ, जहाँ पे इनको एक चिकन डिनर के 19 पॉइंट मिले, बाकी 2 मैच में इनके प्लेसमेंट पॉइंट ही 2 हैं, 19 और 2, 21 बचे, बाकी 29 इनके किल पॉइंट हो ही नहीं सकते 2 मैच में जब ऐसी प्लेसमेंट पॉइंट है। तो 50 पॉइंट किस बेसिस पे दे दिए गए इनकी टीम को, और केवल इनकी टीम की बात नहीं चल रही है,
यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टीम्स हैं जिनके साथ में हुआ होगा, और केवल डे 3 में नहीं, डे 1 और डे 2 में भी इनके पॉइंट्स में घपला किया इनके मैनेजमेंट ने। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जहाँ पे सारे मैचेस का ब्रेकडाउन कराए बंदे ने, इनकी पोजीशन कहाँ पे कितने उन्होंने किल करे, कहाँ पे एलिमिनेट हुए, उसके हिसाब से इनके टोटल पॉइंट्स 50 के आसपास बन रहे थे, लेकिन इनको क्वालिफाई कराने के लिए सीधा 106 पॉइंट्स करा दिए गए। और ये जो 4 AM ई-स्पोर्ट्स आप देख रहे हो नंबर 7 पे, इनकी राइटफुल पोजीशन बनती थी नंबर 6 पे होने की, इनके पॉइंट्स कम कर दिए गए, 4 AM के 101 पॉइंट्स से उसको 99 कर दिया गया। चलो वो भी 2 पॉइंट का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है इस पॉइंट्स टेबल में डिफरेंस, लेकिन सीधा इनको नीचे कर दिया गया, 7th की जगह 6 पोजीशन दे दी गई इनकी जगह पे फेलाइन ई-स्पोर्ट्स को, और उनके पॉइंट सीधा 106 कर दिए गए। और यहाँ पे मैं केवल फेलाइन ई-स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दिक्कत है मैनेजमेंट से, क्योंकि इस तरीके से आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स खेल रही हैं, आप वॉचिंग देखे जाते हो, आपको लगता है कि भाई अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे, स्पॉन्सर्स यहाँ पे बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन बैक एंड से इस तरीके की चीजें करी जाती हैं उनको ऊपर लाने के लिए, उन्हीं टीम्स को मौका देने के लिए इस तरीके से करप्शन किया जाता है। क्योंकि मजेदार बात यह है कि ये 4AM ई-स्पोर्ट्स वही टीम है जिन्होंने पेड स्लॉट लिया था, 1500 रुपए का पेड स्लॉट लिया था फाइनल्स का, उनको मौका नहीं दिया गया। पॉइंट्स टेबल में 40 टीम का था और उसमें से 40 में से 6 टीम्स क्वालिफाई करने वाली थी, इस कॉम्पिटिशन में भी वो खेल रहे हैं अपनी जेब से पैसे भर के, उसमें भी उनके साथ में इस तरीके की चीजें होती हैं, और ये छुपाने के लिए आपके साथ सिंपल सी ट्रिक खेली जाती है, आपके को स्ट्रीम कराई जाएगी, प्रॉपर स्ट्रीमर्स को बुलाएंगे, लेकिन जैसे ही मैच एंड होता है, जब मैच के रिजल्ट आने वाले होते हैं, तब एकदम से स्ट्रीम पॉज कर दी जाती है, आपको हाईलाइट दिखाने लगते हैं, और फिर एकदम अपनी मर्जी से किसी का भी पॉइंट्स टेबल बना के डाल दिया जाता है दिन खत्म होने के बाद। आप लोग सिर्फ पोजीशन का पता लगा सकते हो, लेकिन कौन सी टीम ने कितने किल्स करे इसका कोई आइडिया नहीं रहेगा आपको, और इस हिसाब से बहुत आसान हो जाता है पॉइंट्स टेबल को मैनिपुलेट करना। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब इंसान गलत करने के बाद में भी उल्टा आपको ही बुरा भला बोलता है, क्योंकि जब 4AM ई-स्पोर्ट्स के साथ में ऐसा हुआ, उनके पॉइंट्स कम कर दिए, दूसरी टीम के बढ़ा दिए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो भी तब जब 1500 का खुद से उन्होंने पेड स्लॉट लिया था इन लोगों से। तो जब 4AM ई-स्पोर्ट्स वालों ने एंग्री पांडा ई-स्पोर्ट्स के मैनेजर से बात करी इन सब चीजों को लेके, तो उनके मैनेजर ने इनको ऑफर करा कि वो अगले टूर्नामेंट के फाइनल्स के वीक 2 के अंदर इनको स्लॉट दे देगा, और वो सब भी इसलिए क्योंकि इनकी किसी खास बंदे के सोर्स के थ्रू बात हुई थी, और उसमें भी वीक 2 में स्लॉट देने की बात करी उसने, वो भी अगले टूर्नामेंट में जिसका प्राइस पूल था 10,000 का। और जब इन सब चीजों से एग्री ना करते हुए 4AM के बंदों ने फेलाइन ई-स्पोर्ट्स के बारे में पूछा कि आप कैसे उनको क्वालिफाई कर रहे हो जब इनके पॉइंट्स इतने थे ही नहीं, तो अब ऑब्वियसली एंग्री पांडा ई-स्पोर्ट्स का मैनेजर दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजर है, और चीते की चाल बाज की नजर और उसके काम के ऊपर संदेह तो कोई कर ही नहीं सकता। तो उसके जवाब में बहुत ही निर्मल शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा, अरे भाई प्यार से बोलना, अरे ब्रो सुन, चढ़ क्यों रहा है, किस बात से चढ़ रहा है, इतने प्यार से बोल रहे हैं, अरे गाली क्यों भाई, गाल अरे यार ऐसे भाई, आप इतना भाई सुनो, आप 2 लाख का टूर्नामेंट करवा रहे हो तो पॉइंट टेबल तो ध्यान से करो ना, टीम्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहो, अरे भाई कोई भी हो मेरे को, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम कोई भी हो, तुम एक तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई नहीं ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग मैच के बाद में रिजल्ट दिखाते ही नहीं, तो कोई स्ट्रीम पे जाके इतना डेप्थ में जाके आइडिया लगाएगा ही नहीं कि कितने फिनिशेस होंगे, कितने इनकी पोजीशन पॉइंट रहेगी, इसलिए पहले इनका मैनेजर इनको चैलेंज करने लग गया कि स्क्रीनशॉट भेज दो, उसके बाद में मैं दिखा दूंगा कोई भी दिक्कत होगी तो, फिर उसके बाद बोलने लग गया कि इतनी प्रॉब्लम होती है तो मेरे इवेंट मत खेला करो, 44 टीम्स है, केवल तुम्हें ही दिक्कत हो रही है, ऑब्वियसली अगर उनकी टीम के पॉइंट्स कम हुए हैं तो उन्हें ही दिक्कत होगी ना, उन्होंने पैसे दे के स्लॉट खरीदा और उसमें उनको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और फिर क्योंकि कस्टम मैनेजर के बाहुबली से उन्होंने पंगा लिया तो फिर उन्होंने ये भी धमकी देनी शुरू कर दी कि अब कहीं से भी तुम्हें स्लॉट नहीं मिलेगा और मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, ओपन धमकी दे रहा हूं। और आप लोगों को सामने से दिखाया जाता है कि एंग्री पांडा ई-स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराता है, T1 टीम्स खेलती हैं, बढ़िया से बढ़िया टैलेंट्स को हायर करता है, लेकिन बैक एंड पे किस तरीके का मैनेजमेंट रहता है ये आप क्लियरली देख ही सकते हो।
तो ये फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी होती है अनऑफिशियल इवेंट्स के अंदर, जिस तरीके से अंडरडॉग्स का फायदा उठाया जाता है, क्योंकि उनको नाम बनाना है, उनको प्रैक्टिस करनी है, उनको भी पैसे कमाने हैं खेल खेल कर, इस वजह से उनसे ही उल्टा पैसे निकाल लिए जाते हैं और उन्हीं को लूट लिया जाता है। और अगर आपके साथ में भी कोई स्कैम होता है या इस तरीके की कोई भी चीज होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो जाके। ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लोटस 365 को जरूर से चेकआउट करना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।